नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत। मंत्रा के वचन सुनकर ककई को बहुत क्रोध आया और उसने मंत्रा से कहा, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी, परंतु इसमें ये तो सोच कि किस उपाय से भरत को राज्य मिले और राम को वनवास हो जाए। ककई के इस प्रकार कहने पर मंत्रा ने कहा, पूर्व काल की बात, दंडकारण्य के भीतर बैजंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता। वह माया का बहुत बड़ा जानकार था, देवताओं के समूह भी उसे परास्त नहीं कर पाते। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। जब उस संग्राम में देवराज इंद्र के योद्धा थककर रात में सो जाते, उसमें राक्षसों ने उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। तब देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ से युद्ध में मदद मांगी। तब महाराज दशरथ तुम्हारे साथ इंद्र की मदद करने के लिए गए थे। जब राजा दशरथ के सारथी को बाण लग गया, तब तुम उस रथ की सारथी थी। जब युद्ध करते करते राजा दशरथ को असुरों ने घायल कर दिया, उसमें सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षस ने आकर उन पर हमला कर दिया, तब तुमने पुनः वहां से बहुत दूर ले जाकर उनकी रक्षा की। तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने तुम्हें दो बार मांगने के लिए कहा। तब तुमने कहा, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं आपसे दो बार मांग लूं। तब महाराज दशरथ ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मानी। महारानी, अब समय आ गया कि तुम अपने मैं दो वरदान मांग लो, एक वर के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारा पुत्र समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अब तुम मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। जब महाराज तुम्हारे पास आए तो उनसे कोई बात मत कर। राजा दशरथ तुम्हें बुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चला। तुम केवल उन्हें उनके दिए हुए वरों का स्मरण करवा। जब राजा दशरथ वर देने को उदित हो जाएं, तब सत्य की शब्द दिलाकर पक्का करके उनसे वर मांग। वर मांगते समय कहना, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य अभिषेक मांगना। ककई को मंत्रा की बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न। इसके बाद ककई मंत्रा के साथ कोप भवन में चलेगी। कोप भवन में जाकर ककई ने अपने सभी आभूषण उतारकर फेंक दिए और लेट गए। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथासमय उपस्थित होने के लिए कहकर रानी वास में गए। राजा दशरथ ने सोचा कि राम के राज्य अभिषेक का समाचार किसी रानी को मालूम नहीं। ऐसा विचार करके राजा दशरथ सबसे पहले अपनी प्रिय रानी ककई के महल में गए। महल में पहुंचकर राजा दशरथ को रानी ककई कहीं नहीं मिली, तो उन्होंने दासी से ककई के विषय में पूछा। वह दासी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, रानी ककई अत्यंत कुपित हो को भवन की ओर गई। दासी के मुख से यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हुआ और वह दौड़ते हुए को भवन की ओर गए। को भवन में रानी को भूमि पर लेटी हुई देखकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। राजा दशरथ अपनी पत्नी ककई को अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते। तब राजा दशरथ ने ककई को स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उसमें उनके मन में भेस मा गया था कि ना जाने ये क्या कहेगी और क्या करेगी। तब राजा दशरथ ने ककई से इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई? मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है, फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? राजा दशरथ कैसे कहने पर ककई ने कहा, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी द्वारा मैं अपमानित हुई। मेरा कोई एक मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो पहले प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक मनोरथ आपसे कहूंगी। ककई की बात सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, देवी, श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय, इसलिए मैं श्री राम की शब्द खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा जो मनोरथ होगा मैं उसे पूर्ण करूंगा। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।